तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो इसका कंट्रोलिंग हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। जो हमारी 5 HP से लेके 20 HP तक की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उन्हें हम चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये हमारी जो मोटर है, देखिए ये हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। इसकी पहचान यह होती है क्योंकि जो इसकी बैक साइड में देखो, यहाँ पर डक्ट कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और देखिए ये इसका क्या है, 3 फेज की इसके अंदर वाइंडिंग होती है और ये वाइंडिंग के टर्मिनल बाहर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो हमारी ये है, ये स्टार्टिंग में जो करंट लेती है अपनी रेटिंग का 5 से लेकर 7 गुना करंट लेती है। अगर मानो हमारी ये मोटर 5 एम्पियर करंट के लिए बनाई गई है, तो इसका 5 से 7 गुना कितना हो जाएगा, 25 से लेकर 35 एम्पियर। तो इतना करंट लेने पर हमारा क्या होता है, लाइनों में काफ़ी लोड पड़ता है। इस लोड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जो इसकी वर्किंग होती है, यह पहले मोटर को स्टार में चलाता है और उसके बाद इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा कन्वर्ट हम किसकी सहायता से करते हैं, यहाँ पर इस कंट्रोलिंग डायग्राम के अनुसार। तो देखिए इससे क्या होता है, जो इसकी स्टार्टिंग करंट है उसको हम कम कर देते हैं। पहले मोटर को हम स्टार में चलाएंगे, उसके बाद कुछ समय बाद इसको हम क्या कर देंगे, डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम एक टाइमर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए ओवरलोड, तो ये ओवरलोड से भी हमको सेफ्टी करता है, इससे हमारी मोटर क्या हो सकती है, जलने और फूकने से बच जाती है। तो इसमें हम ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं जो इसको ओवर करंट से बचाता है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका, इस स्टार्टर को लगाने से इसको हम आसानी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसको हम 1 मिनट में इन कॉन्टैक्टरों को 50 से 60 बार इसको ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं, इससे हमारे कॉन्टैक्टरों में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इसके सर्किट डायग्राम को हम समझेंगे और फिर इसके हम कनेक्शनों को स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम हमने दिखाया है। इस सर्किट डायग्राम को हम एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे और हम ये 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चला के यहाँ पर ये बच्चे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से एक फेज वायर लेते हैं। उस फेज वायर को ये 6 एम्पियर की MCB के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके आउटपुट को फिर हमें NC स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पर स्टॉप पुश बटन देखो रेड कलर का लिया है, क्योंकि रेड कलर के पुश बटन को आसानी से पहचानने में क्या होती है, सहायता हमें मिलती है, जिससे इसको ऑपरेटर पहचान के ऑफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब NC बटन को पहचानने में खासियत क्या होती है, जो इसका NC पुश बटन होता है ये नॉर्मली कंडीशन में कैसा होता है, क्लोज होता है। जब इसको दबाते हैं, हम इस बटन को अंदर को पुश करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो NO होता है और हमारे सर्किट को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। ठीक है, तो MCB का पूरा नाम हो गया मिनिचर सर्किट ब्रेकर, NC का पूरा नाम होता है नॉर्मली क्लोज, और यह स्टॉप पुश बटन होता है इसको हम रेड कलर का लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका आउटपुट होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर के NO स्टार्ट पुश बटन से। इस पुश बटन की सहायता से हम अपने स्टार्टर को ऑन करते हैं और इसका कलर हम रखते हैं ग्रीन, क्योंकि जो ऑपरेटर हमारे होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और कोई इंग्लिश पढ़ नहीं पाता वहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप, इसलिए उसको ग्रीन कलर और रेड कलर को पहचानने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। इसीलिए हम इस बटन को ग्रीन कलर कर लेते हैं और NO का पूरा नाम होता है नॉर्मली ओपन। ये जो बटन होता है हमारा नॉर्मली कंडीशन में ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पर NCOLR पॉइंट, तो NC का पूरा नाम होता है नॉर्मली क्लोज और OLR का पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले। तो ये हमारा ओवरलोड रिले का NC पॉइंट लेता है, तो इस पॉइंट को हमें कहाँ कनेक्ट करना होता है, ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर। फिर इसके बाद जो हमारा ये आउटपुट निकलेगा ओवरलोड रिले का, इसको हम टाइमर के NC पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इस NC का पूरा नाम होता है यहाँ पर नॉर्मली क्लोज, और ये देखिए इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है और यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम आउटपुट लेंगे। NC की पहचान क्या होती है, देखो ये पॉइंट आपस में क्या रहते हैं, अभी टच रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब नेक्स्ट इसके बाद जो टाइमर का हमारा आउटपुट होता है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है टाइमर के आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं, जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है इसके NC पॉइंट पर। तो NC का पूरा नाम होता है नॉर्मली क्लोज, तो अभी हम चेक करेंगे कि NC पॉइंट क्या होता है और NO पॉइंट क्या होता है, इन्हें में हम प्रैक्टिकल में चेक करेंगे और सारे कनेक्शनों को वहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा डेल्टा का ये आउटपुट निकलेगा NC का, इसे हम कनेक्ट करेंगे
स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारे NVC होती है, जिसका पूरा नाम होता है नो वोल्टेज कॉयल। इस NVC के A1 पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरी कॉयल का दूसरा साइड रहेगा A2, उसको हम नीचे से क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमने कॉन्टेक्टर ले रखे हैं यहाँ पर, ये 250 वोल्ट AC कॉन्टेक्टर है। तो स्टार कॉन्टेक्टर के पूरे कनेक्शनों के बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारा NO स्टार्ट पुश बटन है, इस पर दो वायरों की लूपिंग करते हैं। पहली वायर की जो लूपिंग करेंगे हम, इस वायर को लूप करके हम सीधे पहुंचा देते हैं, देखो यहाँ पर इस प्रकार इसको हम कनेक्ट कर देते हैं NO पॉइंट मेन के, ठीक है, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके NO पॉइंट से। तो ये हमारा देखो हमने मेन कॉन्टेक्टर दिखा रखा है, इस मेन कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो इसका आउटपुट निकलेगा उसे हम NC से कनेक्ट करेंगे। अब NC जो कनेक्ट करना है हमको, देखो स्टार के NC से करना है कनेक्ट उसको। तो स्टार हमारा कॉन्टेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर है फर्स्ट में। तो वहाँ से उस वायर को हमें यहाँ लाना होता है, वो हम सर्किट डायग्राम में भी देखेंगे कनेक्शन करते समय। फिर उसके बाद जो NC स्टार कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट निकलेगा उसे हम कनेक्ट करते हैं डेल्टा कॉयल के A1 पॉइंट और A2 पॉइंट पे। तो ये हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, इसकी जो NVC होती है अंदर से, उसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है A1, एक होता है A2। तो इसको A1 और A2 हम इस प्रकार कनेक्ट करते हैं, और जो A2 नीचे का होता है उसे हम नीचे से क्या कर देंगे, न्यूट्रल वायरिंग से कनेक्ट कर देंगे, जो इस प्रकार दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारा ये NO स्टार्ट पुश बटन होता है, इसके दूसरे जो पॉइंट है यहाँ पर से वायर की हम लूपिंग करते हैं, इस लूपिंग को हम पहुँचा देते हैं हमारे जो जहाँ पर टाइमर दिखा रखा है टाइमर में, क्योंकि टाइमर को भी हमें 250 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। तो यहाँ से हमने इसको फेज वायर दे दिया है, और नीचे से इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने टाइमर दिखा रखा है, उसके बाद इसी टाइमर में हम एक लूपिंग कर देते हैं यहाँ पर से। इस लूप में हम क्या करेंगे, NO जो स्टार पॉइंट का NO होता है, स्टार पॉइंट के NO से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, इसके NO पॉइंट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसका ये आउटपुट निकलेगा उसे हम मेन कॉन्टेक्टर के A1 और A2 पॉइंटों में कनेक्ट करेंगे, और A2 को नीचे से क्या कर देंगे हम, यहाँ पर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारी इतनी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पर जो सारे टेक्नीशियन करना भूल जाते हैं, उस पॉइंट को हमें देखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो जो स्टार का हमारा NO पॉइंट होता है और जो मेन का हमारा NO पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट को हम एक वायर द्वारा क्या कर देते हैं, यहाँ पर लूपिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम तैयार हो जाता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद इस मोटर को हम चला के देखेंगे। को स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टूल चाहिए होते हैं और ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम MCB को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे फेज वायर से। तो ये हमारा MCB है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे फेज वायर से। इस प्रकार ये टाइट कर चुके हैं देखो। तो यहाँ पर ये आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं MCB का। अब इसके बाद हम NC पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। अभी हम इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे NC पुश बटन के यहाँ पर, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कनेक्ट कर चुके हैं यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इसके NC पॉइंट के आउटपुट से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, जिसको NO के पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे। NC को आउटपुट कनेक्ट करते हुए NO के इनपुट में इसकी वायरिंग की कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि एक वायरिंग की यहाँ पर हमको लूपिंग भी तैयार करनी है, तो लूप भी हम इसमें तैयार कर देंगे। तो इस वायरिंग में हम क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे, जो इन्होंने देखो इस प्रकार कर दी है। एक बार दिखाइए लूपिंग, इसके आउटपुट निकलने के बाद इन्होंने लूपिंग कर दी है। इस लूपिंग को हम NO पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके आउटपुट में भी एक वायर की हम लूपिंग करेंगे। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके आउटपुट में भी जो हमारा NO बटन है, पुश बटन, जो हमारा NO पुश बटन है, इसके आउटपुट में भी हम यहाँ पर से एक लूपिंग करेंगे वायर की, जो लूपिंग हमारी इस प्रकार आगे की ओर बढ़ती जाएगी। देखिए वायरों की इस प्रकार लूपिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसके आउटपुट पॉइंट को हम ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में कनेक्ट करेंगे।
इस प्रकार हम इसको यहाँ पर से कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो हमारे ओवरलोड रिले का ये आउटपुट पॉइंट है, हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट के साथ, और इसमें आउटपुट वायर कनेक्ट करेंगे और फिर आगे की ओर सर्किट को तैयार करेंगे। अब इसके बाद देखो एनसी यूज़ करेंगे हम टाइमर का, तो यहाँ पर देखो टाइमर के लिए हमने ये रखा है, तो टाइमर का एनसी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमर के एनसी पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद टाइमर के एनसी के आउटपुट को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। देखिए ये टाइमर के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इस आउटपुट को डेल्टा के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे एनसी पॉइंट के। उस आउटपुट को डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। पॉइंट पर काम कर रहे हैं देखो ये डेल्टा के इनपुट पे इसको कनेक्ट करेंगे, तो टाइमर का हमारा क्या निकला है, आउटपुट निकला है, और फिर इस डेल्टा के आउटपुट, फिर इस डेल्टा के आउटपुट को स्टार कॉन्टेक्टर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे, जो हमारी स्टार की क्या है, एनवीसी कॉइल है, पॉइंट है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे उसके आउटपुट को। ये कनेक्ट कर रहे हैं A1 पॉइंट के साथ, और जो A2 पॉइंट है उसके बाद जो नीचे का A2 पॉइंट है उसे हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी स्टार की कंट्रोलिंग यहाँ पर हो चुकी है। और न्यूट्रल कनेक्ट करने से पहले इसमें हम एक वायर की लूपिंग भी कर देते हैं जो हमारे टाइमर के लिए जाएगी। न्यूट्रल वायर के लिए इन्होंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर का वायर यूज किया है, और इसे लूपिंग करते हुए A2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए हम इस पॉइंट से काम करना फिर स्टार्ट करेंगे, जो ये हमारा NO पॉइंट का ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, जो हमने लूपिंग करी थी, इस लूपिंग को हम सर्किट डायग्राम के अनुसार सीधे आगे की तरफ भेजेंगे और इसे मेन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा मेन कॉन्टेक्टर, और मेन कॉन्टेक्टर की पॉइंट देखो दिखा रखे हैं हमको NO पॉइंट है, जो 13 और 14 नंबर दिखा रखे हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं NO पॉइंट। तो इसमें हमको NO पॉइंट में कनेक्ट करना है, जो जिस वायर को हम वहाँ से क्या कर रखे हैं, लूप मार के लाए हैं, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये NO पॉइंट में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसी में एक छोटा सा वायर, इसमें एक छोटा सा वायर आउटपुट में लूपिंग भी करेंगे, जो NO के स्टार में जाएगा, जो मेन कॉन्टेक्टर का NO में जोड़ने के बाद इसके बैक साइड से आउटपुट में एक बार लूपिंग करेंगे, जो हमारा कहाँ जाएगा, स्टार के NO में जाएगा। तो मेन के NO में कनेक्ट कर चुके हैं वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आउटपुट लेना है इसका। आउटपुट में इन्होंने देखो इस प्रकार दो वायर की लूपिंग कर दी है। इस लूप से हमारा एक वायर नीचे की तरफ जाएगा और एक वायर हमारा स्टार के एनओ की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार ये लूपिंग कर चुके हैं, देखो दोनों वायरों का हमारे इसमें एक स्टार के एनओ में जाएगा और दूसरा पॉइंट जो है स्टार के एनसी में चला जाएगा। जो हमने वायरिंग की लूपिंग करी थी उसमें से नीचे वाली वायर हमारी स्टार पॉइंट के एनसी में चले जाएगी, जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, तो इसे हम स्टार के एनसी में कनेक्ट करते हैं। तो इसे ये स्टार के एनसी में कनेक्ट करेंगे। अभी ये इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो इस वायर को आउटपुट को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट कर चुके हैं, अब इसके आउटपुट से एक वायर ये कनेक्ट करेंगे, और जो ये आउटपुट से वायर कनेक्ट होगा वो हमारा इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर चले जाएगा। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो इसका A2 पॉइंट होगा इस पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। अब हम NC पुश बटन के इस आउटपुट वाले लूप को उठाएंगे, और इस लूप को उठाते हुए हम सीधे पहले चले जाते हैं स्टार के NO पॉइंट के साथ, जो हमारा स्टार का NO पॉइंट रहेगा स्टार कॉन्टेक्टर का, उसके इनपुट में इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए इस वायर में जो हमने लूपिंग करी थी न्यूट्रल की, इसे कनेक्ट करेंगे सभी कॉन्टेक्टरों में। तो न्यूट्रल की लूपिंग कर रहे हैं, अभी मेन कॉन्टेक्टर में काम कर रहे हैं। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, इसमें न्यूट्रल की वायरिंग हो रही है, फिर इसी की लूपिंग करके हम डेल्टा में इसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये लास्ट में डेल्टा के कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल देंगे A2 पॉइंट पर। अब ये डेल्टा के A2 पॉइंट को न्यूट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा कंट्रोलिंग डायग्राम बनके तैयार हो गया है, अब इसे चेक करके देखेंगे। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसको चलाएंगे एक बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
तो इसकी सप्लाई ऑन करेंगे, तो ऑन करिए, देखो इसकी मेन सप्लाई यहाँ से दे दी हमने। सप्लाई ऑन करने के बाद देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाने, फिर उसके बाद जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इसे हम होल्ड करेंगे। देखिए होल्ड करने पर हमारे दो कॉन्टेक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो चुके हैं, इनमें से ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। अभी जो सर्किट हमारा चल रहा है वो स्टार में चल रहा है। अब स्टार में हम क्यों चलाते हैं, क्योंकि स्टार में जो हमारी मोटर होती है वो करंट कम लेती है, इसके कारण इसको स्टार में चलाया जाता है। अब इसके टाइमर द्वारा ये अपने आप ही डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। जब डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ये दोनों कॉन्टेक्टर क्या होंगे, हमारे होल्ड होंगे, और ये कॉन्टेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बंद हो जाएगा। अब देखिए टाइमर का टाइम हो रहा है, देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों कंडीशन हमारी कहाँ आ गई है, अब डेल्टा में आ चुकी है। तो डेल्टा में हमारी मोटर करंट थोड़ा ज़्यादा लेती है, मगर इस कंडीशन में क्या है, वो लोड भी अच्छा खासा उठा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ये सर्किट बना के तैयार कर दिया है, और इसको इस रेड बटन की सहायता से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो सर्किट पूरा अभी ऑफ हो चुका है, कि हम देखते हैं कि हमारा ये स्टार्टर वर्क कैसे करता है, कैसे इसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्टिंग में हम ये स्विच दबाते हैं, देखो पुश बटन टाइप जो हमारा बटन है, इसको दबाने के बाद क्या होगी, सप्लाई यहाँ पहुँचती है, उसके बाद हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर है ये होल्ड होता है, और इसके साथ हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर भी होल्ड हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद जब हमारा टाइमर अपना टाइम पूरा होता है टाइमर का, उस कंडीशन में ये वाला स्विच, तो ये वाला स्विच हमारा टाइमर का ये एनो हो जाता है। देखिए इस प्रकार ये ओपन हो जाता है, एनसी पॉइंट एनो में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंडीशन में ये वाला जो कॉन्टेक्टर है हमारा होल्ड होना क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि इसकी सप्लाई यहाँ से कट जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हमने यहाँ पर देखिए ये एनसी पॉइंट यूज किया था, जब कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड था तो ये एनो हो गया था, जैसे ही यहाँ पर से ये फिर ऑफ होता है यानी कि ये बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपनी पुरानी कंडीशन में आता है, और नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होता है, क्लोज। और नॉर्मल कंडीशन में देखो यहाँ से जो हमारी सप्लाई आती है वो सप्लाई हमारी मिल जाती है किसको, डेल्टा कॉन्टेक्टर को, और उस कंडीशन में हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन